गुड मॉर्निंग एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम टू सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 अटली सेंटर्स ऑफ पावर। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडो चाइना रिलेशनशिप भी कहा जाता है। इन प्रीवियस वीडियो राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस इंडिया इंडो चाइना रिलेशंस। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो चाइना है वो कंटिन्यू कैसे डेवलप कर जा रहा है और कैसे उसकी जितने भी अदर कंट्रीज उस पर इन्फ्लुएंसेस हो गए हैं, अब अदर कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा है और सब कंट्रीज उसके प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो चुकी हैं काफ़ी कंट्रीज। तो उसने हर जगह अपना प्रभुत्व जो है बना दिया है और कहीं ना कहीं वो एक हेजमनी धीरे धीरे बनता जा रहा है, अपनी इकोनॉमी को काफी पावरफुल करता जा रहा है। नाउ इंडिया एंड सो वी डिस्कस इन दिस वीडियो इंडो चाइना रिलेशन के बारे में बात करें। इंडिया एंड चाइना हैड अ कॉलोनियल रिलेशन सिंस टाइम इमर्शियल, बोथ हैव पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन। पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चर तीनों रिलेशन के बेस पे दोनों रिलेशन बनाया जाता है, बिकॉज जो इंडिया और चाइना दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी थी, दोनों में ही जो दोनों का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। बिकॉज जैसे इंडिया जो हमारा है पहले जिस तरह अब इंडिया है, इतना शॉर्ट हमारा इंडिया इतना नहीं था ना कि इससे पहले बिफोर जब क्या कहते हैं जो पार्टीशन हुआ था तब ओनली पाकिस्तान से पार्टीशन हुआ था और उसमें बांग्लादेश भी डिवाइड हुई थी। तो इससे भी बड़ा हमारा जो इंडिया था वो उससे भी बड़ा था, जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब पहले इंडिया के ही एरिया में मर्ज थे। ये बाद में जाके हिस्ट्री में वो तो बाद में हुआ कि जो इंडिया से पाकिस्तान वाला जो वो है वो ब्रिटिश टाइम में हुआ, अलग हुआ। इससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार सब इंडिया में आए थे। लाइक दिस चाइना का भी जो क्षेत्रफल कह लीजिए जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा था, उसके आसपास की काफी कंट्रीज भी चाइना में मर्ज थी। सो इसलिए काफी सिमिलैरिटी थी और तो जो इंडिया चाइना के रिलेशंस को कहीं ना कहीं बढ़ा रही थी। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस बोथ द कंट्री शेयर अ पीसफुल रिलेशन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो दोनों ने पीसफुल रिलेशन स्टार्ट किए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वाज पॉपुलर। उस टाइम एक स्लोगन भी काफी फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। आपने अधिकतर मूवीज वगैरह में सुना होगा कि काफी जो मूवीज आती हैं लाइक चाइनीज चौक टू चाइना, उसमें सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई बार बार बोलते हैं। सो हिंदी चीनी भाई भाई ये स्लोगन काफी फेमस हुआ था। वेरी सून बोथ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन बॉर्डर डिस्प्यूट द डिफरेंसेस अराउज फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर तिब्बत इन 1950। वेरी सून बोथ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बाद में आगे क्या हुआ कि जो चाइना था वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रफल को बढ़ा था, बिकॉज उसके यहाँ की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा थे, उसको अपनी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं गुड या हाउसिंग या अच्छी जगह देने के लिए, वो अपनी जो अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरों के एरिया में कब्जा कर रहा था। तो अपने बॉर्डर को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए वो उसका इंडिया से काफ़ी डिस्प्यूट हुआ। द डिफरेंस अराउंड फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर तिब्बत। जब सबसे बड़ा डिस्प्यूट था जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा करने के लिए उस पर अटैक कर दिया और कहीं उससे जो हम इंडिया चाइना के जो रिलेशंस थे कहीं ना कहीं खराब होने लगे। इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 में, जब उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख टेरिटरी पे भी अटैक करा, उसको भी अपने में मर्ज करने लगा। तो ये सब ने काफ़ी मिलिट्री हमारी जो थी, हमें काफ़ी मिलिट्री का नुकसान भी हुआ था। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल और इस सब के कारण 1962 से 1976 तक जो रिलेशन हमारे हिंदी चीनी भाई भाई जगह जो स्लोगन था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा। 96 तक जो रिलेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगे। लाइक दिस अभी भी आपने देखा होगा लास्ट ईयर इतना ज़्यादा चाइना से कंटिन्यू हमारा कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता रहता है एरिया को लेकर, कभी वो हमारे एरिया पे आता रहता है। तो अरुणाचल लद्दाख उसने जहाँ जैसे तिब्बत के लोग फुली चाइना से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर उनके अलग थे और तिब्बत पे उसने पूरी तरह से अपना कब्जा बना लिया था। और सबसे बड़ा चेंज तब 1981 में क्या कहते हैं जो
अब उनको कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाना था चाइना को और इंडिया को भी, और सबसे बेस्ट चाइना के लिए एक बहुत अच्छी मार्केट थी इंडिया. सो उन्होंने 1981 में सीरीज ऑफ टॉक्स, यानी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल को बढ़ाने के लिए इंडिया से बात की. और ये सब जो थे अरुणाचल प्रदेश के, लद्दाख के, ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो मुद्दे थे, इनको उठाया और इनको सॉल्व करा, जिससे जो हमारा इंडस्ट्रीज का जो उनकी मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने अपने डेवलप करने के लिए उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की जो क्या कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उनको सॉल्व करा बातचीत के से. और आपने देखा होगा इंडिया में आके बिजनेस करने लगे और उनके प्रोडक्शंस को हम यूज़ करने लगे. और कहीं ना उसके बाद 1988 में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब 1988 में राजीव गांधी जी चाइना में विजिट करा. तो उसके बाद से जो चाइना था उस उन्होंने जैसे बताया, उन्होंने हमारे यहाँ के मार्केटिंग करने लगे, उन्होंने एक अच्छी मार्केट इंडिया में दे दी और कहीं ना कहीं हम लोग उनके प्रोडक्शन यूज़ करने लगे. और यहाँ से इंडिया चाइना का जो रिलेशंस थे वो फिर से सही होने लगे और फिर से गहरे हो गए. लेकिन अब बीच बीच में जो चाइना है वो कहीं ना कहीं से फिर से स्टार्ट कर देता है अपने बॉर्डर को बढ़ाने के लिए, अपने जो LOC को पार कर देता है और अपनी धौंस दिखाता है. और कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, बट हम इन सब चीज़ों को जानते हुए भी कि हम उनके अगेंस्ट में हमारी कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है. नाउ थैंक यू स्टूडेंट एंड थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 5th, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. नाउ थैंक यू वेरी मच.